फिर मैटर कॉज करने के लिए इस मैटर को एक ट्रेंड सेटर बनाना चाहते हैं, बिकॉज जिस तरह से इस रेप लॉ का मिसयूज हो रहा है, समबडी हैज़ टू डू समथिंग एंड दिस वुड बी वन सच मैटर, विल बी टेकिंग इट टू द हाई कोर्ट फॉर कॉजिंग एंड द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। पुलिस से रिमांड की मांग की, सर उनके क्या नए पॉइंट्स क्या थे? तीसरा रिमांड था नहीं, पुलिस का थर्ड रिमांड उनका यही मुद्दा था कि उन्होंने कुछ पैसे जो गिफ्ट मिले थे करण, वो रिकवर करना बाकी था, कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने बाकी थे, और ओएसिस पार करके कोई जगह है वहाँ के स्टाफ का रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था। हमने उनको कोर्ट को बताया कि पूरी FIR में ओएसिस पार का नाम का रेप रिलेटेड इंसिडेंट का कोई जिक्र नहीं है। साइड बाई साइड हमने भी बताया कि जो गिफ्ट का जो आप पैसा बता रहे हैं उसका भी कोई नरेशन FIR में नहीं है, ये सब स्टोरी पुलिस द्वारा क्रिएट की गई जिसके द्वारा वो पुलिस कस्टडी एक्सटेंड कर सके। कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी। All the facts of the case, all the evidence that we had, all the findings that we had, and what the police has done so far, and I think when the judge saw all the evidence in front of him and saw the Supreme Court judgments, High Court judgments, and all the judgments that our lawyer put forward regarding the case, the judge looked at everything that was presented and decided that he will now get judicial custody, and tomorrow we can apply for bail.